बेटा अभी हमने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था हमारा प्लानिंग, जिसमें मैंने दो टॉपिक कराए। आई होप सो आपको दोनों टॉपिक याद होंगे, कौन कौन से दो टॉपिक कराए हैं। एक बेटा फोन को साइड में रख दो, नेट ऑफ करके। कौन कौन से? फीचर्स, मीनिंग और लिमिटेशन। तो एक बार खाली अगर हेडिंग साइडिंग्स हम एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें, तो क्या क्या बातें मैंने आपको बताई थी? फीचर्स में क्या बताया था, लिमिटेशंस में, और मीनिंग। मीनिंग में तो सिंपल ही था, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, है ना। और इट इज ए ब्रिज वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो। डिसाइडिंग इन एडवांस, सब कुछ एडवांस में डिसाइड कर रहे हो। फीचर्स में सात फीचर्स थे, बड़े इजी है। तीन तो अनमोल रहता नहीं है, ऑल परवेसिव, कॉन्टिन्यूस और गोल ओरिएंटेड, गोल्स को अचीव करना। नहीं बेटा, डायनेमिक नहीं है इसमें। फिर फ्यूचर के बारे में, फ्यूचरिस्टिक, मेंटल एक्सरसाइज, प्राइमरी फंक्शन, और एक मैं कह रहा हूँ जो अभी हम डिस्कस करेंगे, प्लानिंग एंड ऑल डिसीजन मेकिंग। आज मैं पूरा का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देन लिमिटेशन कराई थी इसके थ्रू। आर डी शर्मा जो बुक है बहुत कॉस्टली है, आराम बहुत कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है और सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। तो प्लानिंग इज वेरी कॉस्टली, प्लान टाइम कंज्यूमिंग, डज नॉट गारंटी सक्सेस। और डी का मतलब डायनेमिक, मीन्स इट डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट। आर का मतलब रिजिडिटी, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। और एक और पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो बेटा ये इस तरीके से याद करने का तरीका बताया हुआ है। आज दो टॉपिक कराने हैं, कौन कौन से? प्लानिंग प्रोसेस और प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। पहले प्रोसेस कर लेते हैं फिर इम्पोर्टेंस करें। प्लानिंग के प्रोसेस में क्या क्या आ रहा है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। कुल मिला के सात पॉइंट है प्रोसेस में। बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना, जब बड़ी बड़ी कंपनी प्लान्स बनाती होंगी कि भाई हमारा अगले साल का गोल है कि मुझे अपनी सेल 50,000 करोड़ से या 1 लाख करोड़ से बढ़ानी है, तो वो प्रोसेस जब बनते होंगे तो क्या क्या बातें ध्यान दें। बिल्कुल ईजी, एक एक करके। सबसे पहला प्रोसेस में पॉइंट क्या होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब सेटिंग गोल्स। सबसे पहले आप डिसाइड करते हो कि आने वाले टाइम में मेरा गोल क्या होगा। कोई भी गोल हो सकता है भैया, जैसे कि भाई मुझे अपनी सेल्स को 10 या 20% क्या करना है, इंक्रीज करना है। मेरा अगले साल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए। कोई भी आपका ऐसा गोल हो सकता है, जनरली यही गोल होते हैं। हर कोई धंधा जो भी करता है वो एक ही लिए कर रहा है हर कोई, कि भाई या तो क्या बढ़े मेरे धीरे धीरे सेल्स, और साथ में क्या भी बढ़े, प्रॉफिट भी बढ़े। हर कोई इसीलिए बिजनेस करता है। पहला तो यही होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइंट है सेकंड, जिसमें हर कोई बच्चा गलती करने वाला है, और ये अलग से भी आ जाता है और बच्चे भूल ही जाते हैं कि ये पॉइंट कहाँ से आया। बाकी सारे याद रहते हैं, फर्स्ट पॉइंट भी याद रहता है, ये खतरनाक पॉइंट है। इसमें चांसेस है कि आप ब्लंडर कर सकते हो, ये खतरनाक है। डेवलपिंग प्रोमाइसिस, क्या है इसका मतलब है? बेटा यहाँ प्रोमाइसिस का मतलब है, ध्यान से समझना, एजम्पशन। प्लान हमेशा किसके बारे में बनते हैं? और आपको पता है फ्यूचर क्या है? अनसर्टन। तो उस अनसर्टेनिटी को मीट आउट करने के लिए कुछ क्या लगानी पड़ती है? एजम्पशंस। तो यह बात समझ, आप कुछ जरा एक बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। जब कोई वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो कितने गुड्स प्रोड्यूस करे उसके लिए उसे क्या करनी पड़ेगी? एक्सपेक्टेड डिमांड रखनी पड़ेगी। भाई फॉर एग्जाम्पल, मैं टी शर्ट के बिजनेस में हूँ, मैं कितनी टी शर्ट बनाऊँ आज, कैसे डिसाइड होगा ये? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एजम्पशन लगानी पड़ेगी कि कल को भाई मेरी कितनी टी शर्ट बिक सकती है। उसी के अकॉर्डिंग तो 10,000 या 20,000 टी शर्ट, और आप ये समझो कम बनाओ तब दिक्कत, ज्यादा बनाओ। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, दिवाली के समय जो मिठाई वाले लोग होते हैं उन्हें बड़ी एजम्पशन लगानी पड़ती है। भाई काजू की बर्फी कितनी किलो बनाए, 200 किलो बनाए या 100 किलो बनाए? फॉर एग्जाम्पल 100 किलो बनाई और कम पड़ेगी, और अगर 200 किलो बनाई पता चला बिकी नहीं। तो वो ऐसा कर, मैं खुद मतलब एक शॉप पे मेरे नॉन के थ्रू गया था, वो दिवाली से एक दिन पहले, मतलब छोटी दिवाली वाले दिन रात को 2 बजे क्या कर रहे थे वहाँ पे, और काजू की बर्फी बनाने में लगे हुए हैं। क्यों? कह रहे यार इस बार तो छोट पड़ेगी, सारी की सारी जितनी मिठाई थी वो बिक गई, अब हमें क्या करना पड़ेगा? और बनाना पड़ेगा। तो बेटा आपको पहले एजम्पशन लगानी पड़ती है हर एक चीज के रिगार्डिंग, कि कल को मेरी चीज कितनी बिकेगी। ना मैं कम बना सकता ना मैं ज्यादा, ज्यादा तो वेस्टेज हो जाएगी। और खाली ये कोई एजम्पशन है, एजम्पशन इस चीज के रिगार्डिंग भी लगानी पड़ेगी कि मेरे गुड्स को बनाने में खर्चा
कितना आएगा, मेरे गुड्स को बनाने में खर्चा कितना आएगा, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। मुझे लेबर कितनी चाहिए होगी, लेबर की भी तो अरेंजमेंट करनी है, नहीं करनी कल को, तो हर एक चीज के रिगार्डिंग कल को बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी, क्या वो मेरे फेवर में होगी या वो मेरे अगेंस्ट होगी, सब चीजों की एजम्पशंस लगानी पड़ती है, तभी जाके धंधा चलता है। मैं रीड कराता हूँ बेटा, मुझे लगता है ये पॉइंट अलग से आ सकता है, याद रखना। एक सिंगल, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपिंग प्रोमाइसिस इन प्लानिंग, ये नहीं पूछता व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपिंग प्रोमाइसिस पूछ लेता है। बच्चा कहता है भाई आया ही कहाँ BST में, याद भी नहीं आ रहा, ये तो कहीं पढ़ा भी था। तो बेटा ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से याद, इसके बाद बड़े इजी, गोल डिसाइड हो गया, मेरा गोल है कि मुझे भाई अगले साल सेल्स अपने 50,000 करोड़ से बढ़ानी है, ठीक है, मैंने अजम्पशंस लगा दी कि इस सेल्स को बढ़ाने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा, मेरा स्टैंडर्ड रेवेन्यू क्या रहेगा, कितने का गुड्स बेचूंगा मैं, कितने गुड्स प्रोड्यूस करूंगा, सब चीज़ों के अजम्पशन। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनना। अब बेटा गोल को अचीव करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, भैया क्या आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। भैया समझे नहीं बात को, मैं आपसे पूछता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकली तो पूछ रहा हूँ, अगर आपको कल को कोई भी बिजनेस करना है और आप कह रहे हो आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हो, तो सेल्स बढ़ाने के तरीके बता दो आप, क्या सेल्स बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं। मैं फिर प्रैक्टिकली एग्जांपल, जो मैं केस स्टडी सुनता रहता हूँ, जो सही में लोग धंधा कर रहे हैं, फिर मैं उनके बारे में, आप कह रहे हो प्रोडक्ट अच्छे की जगह ये कह सकते हैं न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, एक तरीका तो क्या है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दो सेल्स बढ़ाने के लिए, एक तरीका है ये। अच्छा और क्या तरीका है सेल्स बढ़ाने? अच्छा आपने कहा भैया प्राइस कम कर दो, कंपटीशन खत्म करो, आपकी सेल्स बढ़ जाएगी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के, मार्केटिंग पे पैसा लगाओ, एडवर्टीजमेंट पे पैसा लगाओ, और कोई भी आंसर आ सकता था, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा आपको। आप ये नहीं कर सकते न्यू मार्केट में एंट्री ले लो, न्यू मार्केट में मतलब फॉर एग्जांपल अभी तो आप कहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहे हो, इंडिया में ही। अब भाई साहब इंडिया क्या इतना बड़ा शहर है, USA है, UK है, चाइना है, सब जगह गुड्स को क्या करना शुरू करो, एक्सपोर्ट। बेटा बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, मैं पहले ही बता रहा था तनिष्क ने क्या किया अपने धंधे को बढ़ाने के लिए। भाई तनिष्क खाली पहले ज्वेलरी बेचता था, और वो पहले ज्वेलरी भी खाली किसकी बेच रहा था, फॉर एग्जाम्पल फीमेल के लिए। अब उसे क्या करना था, अपना धंधा ग्रो करना था, पहले तो वो इंडिया में बेचता था, तो वो कहाँ गया, इंडिया के बाहर गया, पहले फीमेल के लिए बेचता था, तो फिर किसके लिए ले आया, मेल के लिए आ गया, जब उसकी ज्वेलरी बिक रही थी तो वो दो तीन बिजनेस में और एंट्री ले गया कि चलो भाई ज्वेलरी तो बिक रही है, अब ऐसा करते हैं ज्वेलरी से रिलेटेड और चीजें बेचना शुरू कर देते हैं, अपनी शॉप में क्या रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल वॉचिस रख लेते हैं, वॉचिस के साथ क्या रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल स्पेक्स रख लेते हैं, तो धंधे ऐसे ही बढ़ते हैं, पहले एक मार्केट को कैप्चर करो, फिर उसी मार्केट का साइज बढ़ाओ, जब वो पूरी मार्केट आ जाए नया प्रोडक्ट एंटर कर दो, नए प्रोडक्ट में नई नई मार्केट में क्या करते जाओ एंटर करते चले जाओ। और इन्होंने भी अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए क्या तरीका बताया था, मैंने आपको बताया था, तनिष्क ने अपने जो टाटा कंपनी का है, पहले बता दूं मैं, तनिष्क टाटा का ही है, ये भी एक समय लॉस मेकिंग कंपनी थी, इसने प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए क्या किया, जब ये तनिष्क आया था तो कोई भी बंदा शोरूम पे जाता ही नहीं था ऐसे ऐसे खरीदने के लिए, तो वहाँ के मैनेजर ने पता, उनकी जो भी उनका स्ट्रेटेजी लीडर था, उसने पता क्या कहा, यार कैसे बुलाऊं जनता को अपने पास, बेटा इंडिया वाले एक चीज में भागते हुए जाते हैं, फ्री, क्या फ्री, उसने कहा आपके पास जो भी गोल्ड है उस गोल्ड को लाओ और उसकी प्योरिटी चेक फ्री में करा के चले जाओ, क्या चेक फ्री में करा के चले जाओ, प्योरिटी कि जो तुमने अपने लाला लोगों से लिया है, क्योंकि हर एक फैमिली का एक इंसान होता है कि हमारा गोल्ड इसी दुकानदार से आएगा, वो सब फैमिली का फिक्स होता है इंडिया में। अब जैसे ही इंडिया वालों ने फ्री देखा, इंडिया वालों तो फ्री में जो मर्जी करवा दो, जनता पहुंच गई अपनी प्योरिटी गोल्ड की चेक कराने, और 50% पब्लिक का गोल्ड इम्प्योर निकला, मीन्स लोगों को जो ये छोटे दुकानदार है, अगर वो 22 कैरेट कह के बेच रहे थे तो उनका एक्चुअल में वो कितना ही था, 18 कैरेट। आज के दिन में आप तनिष्क के शोरूम में जाओगे ना, तो वो मशीन मिल जाएगी आपको वहाँ, आज भी वो मशीन लगी हुई है, जब आप वहां से भी गोल्ड खरीदते हो तो आप भी उसकी प्योरिटी चेक कर सकते हो, 50% जनता तो ऐसी बन गई हो, जब उन्हें पता चला अच्छा मेरे दुकानदार ने, मेरे जानने वाले ने मेरे से धोखा किया, मैं आज के बाद उसके पास जाऊंगा ही नहीं। ये है प्रैक्टिकल केसेस, ऐसे बनती है प्लानिंग, ऐसे होता है धंधा, मैं जितना ही पढ़ा दूं लेकिन प्रैक्टिकली लिंक करना पड़ेगा। अभी अलग अलग तरीके आइडेंटिफाई कर लिए, मैं एक एग्जाम्पल से नहीं, मैं और एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, पतंजलि की बात कर लूँ,
भाई बाबा रामदेव जी पहले खाली योगा करते थे, अब उन्हें योगा से लगा भाई साहब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में बहुत डिमांड है, तो वो पहले अपने क्या लेके आए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में खाली वो कुछ दवाइयाँ मेडिसिन लेके आए, उन्हें लगा मेडिसिन तो बहुत बढ़िया काम कर रही है भाई साहब, अब अपने बिस्कुट्स भी लाएंगे, अच्छा बिस्कुट भी बढ़िया बिक रहे हैं, अच्छा जी चॉकलेट भी लाएंगे, अच्छा चॉकलेट भी बढ़िया बिक रही है, चल भाई मैगी भी ले आएंगे। मुझे नहीं पता बिक रही है या नहीं, वो उनकी सेल्स देखनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे नए प्रोडक्ट क्या करे हैं, लॉन्च कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं भाई, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। भैया आइडेंटिफाई करने से कुछ नहीं होता, ध्यान से सुनना, अब हर एक ऑल्टरनेटिव को क्या भी करना पड़ेगा, इवेल्युएट, इवेल्युएट का मतलब हर एक ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के मेरिट्स और डीमेरिट्स चेक करने पड़ेंगे। बेटा सब में कुछ मेरिट्स हैं, सब में कुछ डीमेरिट्स हैं, और सबकी क्या भी चेक करनी पड़ेगी, फिजिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल भाई नया प्रोडक्ट लॉन्च करके सेल्स तो बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन इसे लॉन्च करने के लिए कितने करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़, क्या है तुम्हारी औकात। तो हर एक अलग अलग, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये होते हैं फिजिबिलिटी स्टडी होती है, क्या स्टडी होती है, हर एक तरीके से क्या वो प्रोडक्ट टेक्निकली प्रैक्टिकली फिजिबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरा मन कर रहा है कि यार मैं ना नई कार बनाता हूँ जो पानी पे चलेगी, बहुत बिकेगी, बढ़िया बिकेगी, पैसा भी बहुत है मेरे पे, फाइनेंशियली फिजिबल है मेरे लिए, क्या टेक्निकली फिजिबल है, क्या वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हर एक फिजिबिलिटी टेक्निकली फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जितने की बनेगी, क्या उससे महंगी बिक जाएगी या नहीं बिक जाएगी, ये सारी बातें हर एक ऑप्शंस के लिए हम क्या करेंगे, इवेल्युएट। एक और बात बेटा, मैंने अभी जैसे देखे बच्चे, एक आधा बच्चा लाया था पेपर, वो अपनी कॉपी चेक कराने के लिए, भैया ये देखना ये नंबर कम दे रखे हैं, एसजी वालों की मैं रियलिटी बता रहा हूँ, टीचर पता क्या देखते हैं, हेडिंग ये ले, अच्छा ये सारे, चल भाई साहब अंदर क्या लिखा, कुछ नहीं, 4 में से 4 काम खत्म, ये तुम्हारी चेकिंग ऐसी है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, तुम्हारे स्कूल की चेकिंग ऐसी है, उन्होंने अंदर मतलब एक का 6 नंबर का क्वेश्चन था, वो गवर्नमेंट बजट का पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है उसने, हेडिंग हेडिंग बीच में पता नहीं लिखा हुआ भी है नहीं, ऐसे चेकिंग ऐसे भी नहीं, ऐसे ऐसे 6 में से 4.5, मैं तो समझ भी नहीं पाया कि ये चेकिंग हो रही है या क्या हो रही है भाई साहब। तो बेटा आपके बोर्ड्स की चेकिंग भी मैं झूठ नहीं बोलता, खाली किस पे डिपेंडेंट है, पूरी की पूरी हेडिंग्स पे, तो हेडिंग्स को बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है ना। बिल्कुल हेडिंग सही से लिख के आओगे तो समझ लो आपके 90-95 तो आ गए, अगर सही हेडिंग सही क्वेश्चन पे लिखी गई, ये सच्चाई है, आपने इंटरनल्स में देख ली होगी, अगर जिसने बड़े ध्यान से कॉपी देखी है, क्योंकि मैंने तो देखी है ना, मैं हर साल देखता हूँ। आइडेंटिफाई के बाद क्या कर लिया, इवेल्यूएट, अब क्या करोगे, जो बेस्ट ऑप्शन है उस बेस्ट को क्या करोगे, सिलेक्ट एंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट के बाद क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट। सिलेक्ट में क्या हुआ, मुझे लगा कि भाई अभी के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, तो उसे क्या करो सिलेक्ट, और इम्प्लीमेंट करने के लिए उस समय रिसोर्सेज को अरेंज करो, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए पैसा अरेंज करो, लेबर अरेंज करो, रॉ मटेरियल अरेंज करो, और उस काम को क्या कर दो, इम्प्लीमेंट। और एक काम बहुत जरूरी है लास्ट में, फॉलो अप एक्शन, क्या देखते रहो जैसा प्लान बनाया था काम वैसे चल भी रहा है या नहीं चल रहा। बेटा मैंने यहाँ 7 पॉइंट बताए बिना देखे, एक बार अगर हम कोशिश करें कि हमें याद आ रहे हैं या नहीं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रमाइसिस, आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सेलेक्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग और फॉलो अप एक्शन, होगी क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा। अपने प्रिंटेड नोट से और हैंड रिटन नोट से आप एक बार इसे रीड आउट कर लो, 2 से 5 मिनट में हम इसे फिर आखिरी टॉपिक किसका करेंगे, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस का, और लिमिटेशंस तो होगी, प्लानिंग का प्रोसेस भी हो गया, केस स्टडी आ सकती है प्लानिंग प्रोसेस, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बेटा आज का आखिरी टॉपिक इस चैप्टर में, अभी हमने मीनिंग कर लिया, फीचर्स कर लिए, लिमिटेशंस कर लिया, इम्पोर्टेंस कर लिया, अभी इम्पोर्टेंस कराऊंगा प्लानिंग प्रोसेस कर लिया। कह रहे प्लानिंग करने से एडवांटेज क्या मिलेगा, हमें क्यों प्लान करना चाहिए, बेटा एक लाइन तो मैंने पहले बता दिया आपको, फेल टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, फेल टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप एक अच्छा प्लान बनाने में फेल हो रहे हो, तो आपका एक प्लान बहुत अच्छा बन रहा है, क्या होने का कल को फेल होने। उसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंस है, एक एक करके देखते हैं, 6 है आराम से। कह रहे प्लानिंग ना क्या प्रोवाइड कर देती है, डायरेक्शन, मतलब ये समझ नहीं आया प्लानिंग का काम क्या है, वो एडवांस में बता देगा कल को आपको क्या काम कैसे करना है, जब आपके गोल क्लियर होना लाइफ में,
तो उसे अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। अगर एक बंदे को यही नहीं पता मुझे करना क्या है, बेटा वो कंफ्यूजन जिंदगी अलग ही कंफ्यूजन है कुछ। और मैं आपको बता दूं, तुम्हारे सामने आने वाली है ये कंफ्यूजन, 12th के बाद ही सबके सामने एक कंफ्यूजन आएगा। सर बीकॉम करें, बीबीए करें, या कोई प्रोफेशनल कोर्स करें, या गवर्नमेंट को गवर्नमेंट कोर्स की तैयारी करें। प्रोफेशनल आ गया सीए, सीए सीएम में प्रोफेशनल कोर्सेज आ गया, क्लैट के लिए जा सकते हैं, क्लैट से एलएलबी के लिए जा सकते हैं, इंडिया के बाहर चले जाएं, बिजनेस करें। जब वो कंफ्यूजन आती है ना लाइफ में, तब समझ में आता है भाई साहब प्लान होना कितना जरूरी है। तो प्लान एक डायरेक्शन दे देता है, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी ना एम्प्लॉय की एनर्जी वेस्ट होगी। वैसे आई होप तो आप सबने सोच रखा होगा, सोच लिया बिजनेस बीबीए, उसके बाद एमबीए, उसके बाद बिजनेस। देखो मुझे पता ही है बिजनेस अपना पहले फिक्स, बिजनेस बिजनेस तो चल ही रहा है अपना, वो तो नाम नाम के लिए साथ में चलती रहेगी। आपने बिजनेस किस चीज का है? ज्वेलरी भाई सब, मुझे कहाँ भगत सिंह रोड सरा हो, वहाँ तो है ही सारे ज्वेलर्स। आपका गर्ल्स के केस में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। वैसे क्या करना है आपने, सी है? एक एक बोलते झेल लिया उसे, और नहीं झेल। अच्छा तो आपको क्या कुछ तो सोचा होगा, एमबीए, नाइस। आपने बेटा कुछ सोचा? वेरी गुड बेटा, 12th तो पास हो ही जाएगी, ये तो मैं सबको कह रहा हूँ। बेटा कंपार्टमेंट ही तो कही मैंने, कंपार्टमेंट के बाद एक बच्चा पास तो हो ही जाएगा। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को कंपार्टमेंट में पास कराया है कि उस समय बच्चे को जब एक दिल पे चोट लग जाती है ना, फिर बच्चा सीरियस हो जाता है। भैया बताओ, नहीं, 1 महीना, 1 महीना जब रिजल्ट आता है उसके 1 महीने बाद कंपार्टमेंट का पेपर हो जाता है। अभी जब अभी आया था आपका 12th का इस साल, उससे एग्जैक्ट 1 महीने बाद अगस्त में बच्चों का पेपर था कंपार्टमेंट का। 1 महीने में पूरी की पूरी Term 2 करनी थी अभी तो, वो मैंने करा दी थी, अलग बात है, लेकिन वो चीज़ है। फिलहाल चलो बेटा, मैंने तो इस साल भी ये सोचा था ऐसे ही होगा, लेकिन सीबीएसई का समझ नहीं आता क्या करता है। चलो, बाय सेटिंग इन एडवांस काम कैसे करना है, हाउ वर्क इज डन, प्लानिंग क्या दे देता है, डायरेक्शन शान। अगर गोल्स वेल डिफाइंड हो, एम्प्लॉयज को पहले ही पता हो कि उसे किस डायरेक्शन में काम करना है, तो उसके लिए बहुत ईजी रहता है। अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो हर एक एम्प्लॉय अलग अलग डायरेक्शन में काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। उसने ये नहीं कहा, बेटा सामने देखो बिल्कुल शांत, यहाँ पे ये बात नहीं हुई कि प्लानिंग अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट करेगा। उसने कहा अनसर्टेनिटी के रिस्क को क्या कर देगा, कम कर देगा। आपको पता है फ्यूचर अनसर्टेन है, आप अच्छा प्लान बना के उस अनसर्टेनिटी को थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। कि भाई मुझे पता चला कि यार कल को एक नया कॉम्पिटिटर आने वाला है मेरे मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक प्लान तो बना सकते हो, उस रिस्क को कम तो कर सकते हो, लेकिन उसे एलिमिनेट भाई उसे मना तो नहीं कर सकते कि भाई तू धंधा ही स्टार्ट ना कर, वो तो जिसने करना है वो करेगा ही करेगा। प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मैनेजर कहाँ देखता है, लुक अहेड एंड एंटिसिपेट। चेंजेस को आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, एंटिसिपेट, और उसके अकॉर्डिंग क्या भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्स भी बना सकते हैं। क्या क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। इसका मतलब बेटा ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, ये लाइन 1 है और इसी के ऊपर लाइन 2 है, तो ये ओवरलैप हो रही है। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग ना करें तो क्या पता एक ही काम दो वर्कर से करा रहे हो सेम काम, तो उससे उस काम की क्या हो रही है, ओवरलैपिंग, रिसोर्सेज की क्या हो रही है, वेस्टेज। तो ऐसा ना हो उसके लिए प्रॉपर क्या बनाओ, प्लान, और काम को प्रॉपरली क्या कर दो, डिवाइड। प्लानिंग से क्या अवॉइड होती है, कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग। प्लानिंग इंश्योर करते हैं क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, काम बड़ी स्मूथली होगा बिना इंटरप्शन से।
एक पॉइंट में ये समझाऊंगा भी और एक बात कह रहे, प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग ही तो फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे कुछ यूनिक हो सकता है। आप जब एक नया प्लान बनाते हो तो कोई भी नया मेथड निकाल सकते हो काम करने का और उस नए मेथड से काम करा सकते हो। लेकिन मेरा एक पॉइंट है, इम्पोर्टेंस में तो कह रहे हैं प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया, और लिमिटेशन में कहते हैं प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। मेरा क्वेश्चन ये है भाई, यहाँ तो तुम कह रहे हो क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, यहाँ तुम कह रहे हो इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट कर रहे हो, मतलब क्रिएटिव आइडिया को भी पागल हो गए हो क्या? इम्पोर्टेंस में तो कह रहे हो कि नया नया काम होगा और वहाँ कह रहे हो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, ऐसा कैसे और ऐसा क्यों? बेटा मैंने वहाँ पे भी बताया था, ये होगी टॉप लेवल की, ये होगी मिडल और ऑपरेशनल। क्रिएटिविटी तो उनकी खत्म हुई, लेकिन जो प्लानिंग है वो फर्स्ट फंक्शन है न्यू आइडिया से बहुत अच्छे अच्छे प्लान। बेटा ये सारी की सारी बातें यहीं से तो शुरू होती हैं, जब तक बातें नहीं होगी तब तक कुछ इनोवेशन नहीं होगा। और जब भी कोई इनोवेटिव आइडिया सुन लेना किसी भी एंटरप्रेन्योर का, वो हमेशा ये कहेगा यार मैं बात कर रहा था, एकदम स्ट्राइक करा यार, ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है, पहले उसके प्लान बनते हैं फिर उसे क्या कर देते हैं एग्जीक्यूट, लास्ट और काम खत्म। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को क्या बना देता है? इजी, पूरी की पूरी प्लानिंग प्रोसेस वाली बात करते हैं। डिसीजन लेना प्लानिंग में इजी क्यों है? क्यों बेटा, याद किया नहीं अभी? प्लानिंग में हम अलग अलग ऑल्टरनेटिव को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई, फिर क्या करते हैं इवेल्युएट, फिर क्या करते हैं सिलेक्ट, फिर क्या करते हैं इम्प्लीमेंट। तो इतना सब जब करते हैं तो हमारे लिए डिसीजन लेना क्या हो जाता है, आसान, क्योंकि हम हर एक ऑल्टरनेटिव के मेरिट्स और डीमेरिट्स देख चुके होते हैं। कह रहे प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है पढ़े लिखे लोगों का। यहाँ पे मैनेजर फ्यूचर में देखता है और कहाँ से डिसीजन लेता है, अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हर एक अल्टरनेटिव को इवेल्यूएट करते हो और मोस्ट वाइबल को आप सेलेक्ट करते हो। और लास्ट पॉइंट, प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, पूरा का पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस आएगा। छोटा सा बता भी दूँ, कंट्रोलिंग प्रोसेस में होता क्या है, जब आप कंट्रोलिंग अप्लाई करते हो तो क्या होता है, कंट्रोलिंग प्रोसेस में हम ये काम चेक करते हैं कि फैक्ट्री में काम सही से हुआ या नहीं। तो उसमें पहले इस सेट करते हैं, किसे सेट करते हैं, इस स्टैंडर्ड को, कि मैंने स्टैंडर्ड सेट किया कि मुझे एक दिन में 20,000 यूनिट बनानी है। फिर मेजरमेंट होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का, मैंने बनाई 18,000 यूनिट। फिर क्या होता है, कंपेरिजन 2,000 का। फिर रीजंस देखे जाते हैं, फिर क्या लिया जाता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि ये 2,000 यूनिट कम क्यों बने थे और उसको सही स्टेप लो। तो जो ये 20,000 यूनिट का स्टैंडर्ड सेट हो रहा है कि एक दिन में फैक्ट्री में कितने गुड्स बनने चाहिए, ये कहाँ डिसाइड हो रहा है, प्लानिंग में। उसके बाद तो यहाँ पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस मैंने यहाँ जल्दी क्यों समझा दिया, क्योंकि इस पे एक क्लास लगाऊंगा कब, कंट्रोलिंग पे। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है, गोल और स्टैंडर्ड, जिसके अगेंस्ट किसे मेजर करोगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को। और अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब देखो 20,000 को कंपेयर करा 18,000 से, और एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं थे, तो क्या लिया जाएगा, करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन कितना लेना, वो डिपेंड करेगा कितने का फर्क आया। इसलिए प्लानिंग किस में मदद करता है, अफेक्टिव कंट्रोलिंग। जल्दी से 6 इंपॉर्टेंस पढ़ लो आज, प्लानिंग प्रोसेस और इंपॉर्टेंस करा दी, कोई डाउट?